आज हमें कुछ बताना चाहेंगे कि मॉनसून में जिस तरह पिछले साल जब बारिशें हुई थी, मॉनसून आया था तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, काफ़ी सारी मुश्किलात जो हैं वो हुई थी और बहुत सारे रोड्स ब्लॉक थे और बहुत सारी जगहों पे पानी खड़ा था और हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए थे। मगर अब की दफ़ा हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने कुछ इकदाम किए हैं और अब की दफ़ा हमें लास्ट टाइम की तरह से फेस नहीं करनी पड़ेंगी प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत ने दावा किया है ये किस हद तक सच होगा और किस हद तक हम उन प्रॉब्लम्स से बच जाएंगे? देखिए, कहना ये चाहूँगा कि हुकूमत तो काम कर रही है, कुछ लोगों को नज़र आता है, कुछ लोगों को नहीं आता नज़र, बाकी अल्लाह मालिक है। वैसे बारिश होगा अभी तक तो फ़िलहाल नहीं हुआ, लेकिन जितना सुना है तो काफ़ी डेवलप हुआ है कि जिस तरह पानी नहीं बढ़ेगा, मतलब रोड वगैरह क्लियर होंगे, आवाम को नुकसान नहीं होगा, घरों पर नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो काफ़ी सारा काम हुआ है जिसकी वजह से आवाम को सहूलत होगी। और वैसे लास्ट टाइम आपको कुछ मसले मसाइल फेस करने पड़े थे ट्रैवलिंग में काम पे जाते हुए या कुछ रोड्स वगैरह के ब्लॉकेज के हवाले से? आप रहते किस एरिया में, मतलब आपको वहाँ पर कुछ फेस करना पड़ा था इस तरह का? लास्ट टाइम तो यही फेस करना पड़ा था, जैसे बकरीद का ही माहौल था तो बस पानी यही जमा था। और दूसरी बात यह है कि गाय बकरों का जो सब था वो तो बकरीद उस तरह नहीं मना सके थे क्योंकि पानी जमा था और 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह बीमारियाँ भी बढ़ती हैं, पानी ठहरता है। और दूसरी बात यह है कि पुराना ये हुआ था कि पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा था कि पानी क्यों पड़ा हुआ है, ना साफ़ हो रहा था, बस ये है कि पड़ा हुआ था एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता यूं ही रहा तो किसी को कोई मतलब हुआ नहीं था। लेकिन अब की बार ये सुना है कि इंशाल्लाह पानी साफ़ हो जाएगा, अब हमको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के रेफरेंस से कि कोई इकदाम ऐसे जो वो कर सकें या कोई और ऐसे सजेशन जो आपको लगता है कि अगर होती है तो ये मसले मसाइल फेस नहीं करने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, मसला ये है कि अब जो आवाम उम्मीद लगाए बैठी है तो उम्मीद पे कायम रहना चाहिए गवर्नमेंट को और हमारे इमरान खान साहब को कि क्या कहते हैं बनाए रखे मुल्क को और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो तो आवाम को भी नज़र आता है तो फिर सपोर्ट भी मिलता है हर चीज़ का। तो बस ये कहना चाहूँगा कि अच्छा रहे सब, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है।